मतलब कि मिलियनेयर मैं हूं साचा वाला मिलियनेयर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज याद रखनी है कि हर हफ्ते हम 40 घंटे काम करते हैं, ये 8 घंटे रोज के बनते हैं जमा 5 दिन हर हफ्ते में, तो 40 घंटे बने महीने में, यानी हम 160 घंटे काम करते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है, बाद में आपको समझ आएगी मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ। अगली बात आती है कि आजाद भाई YouTube पे जो अपना इनका चैनल है इस पे कितना पैसा कमाते हैं। ये सवाल मुझे अब भी पूछा जाता है, इसके बावजूद कि मैंने 2 वीडियोस इस किस्म के पहले से बना दिए। वो चैनल मान लेते कि ये वाला नहीं था, इसकी अर्निंग्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मैं आपको याद करवा दूं कि मैंने एक चैनल खोला था सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, उसमें मैंने 6 घंटे काम किया था और 1,00,000 रुपए से ज्यादा कमाया था, यानी उस वक्त जो भी रेट थी डॉलर की पाउंड की, उस वक्त 1,00,000 रुपया मैंने महीने के अरसे में कमाया था। फिर मैंने आपको एक और चैनल दिखाया था जो मैंने कहा था कि मैं मालिक नहीं बता सकता कौन है लेकिन है पाकिस्तानी, वो लोग हर महीने 90 घंटे उस चैनल पे काम करते थे और वो चैनल 20,00,000 रुपए उस वक्त कमा रहा था। मैंने आपको फुल डिटेल्स दिखाई थी, उस वक्त मैंने आपको ऐसे महीने भी उसके दिखाए थे हिस्ट्री में जाके कि जहां पे वो $35,000 यानी 35,00,000 रुपए उस वक्त बनते थे कमाता था। आजकल तो रेट बढ़ चुकी है, 50,00,000 के करीब चली गई, लेकिन मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ। अब आते हैं मेरे चैनल की तरफ। ये हुआ मेरा लोगो, ये हुए मेरे पिछले 28 दिन के व्यूज यानी 1.5 मिलियन, और ये रही इसकी इनकम यानी 1,130 डॉलर, जिसको अगर हम कैलकुलेटर में डालें तो बनता है 1130 टाइम्स, आजकल चलो 162 रुपये कर लेते हैं रेट, 1,80,000 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह। अब ना मैं आपके साथ इसका ब्रेकडाउन शेयर कर देता हूँ। मैं महीने के तकरीबन 20 वीडियोस निकालता हूँ, हर वीडियो पे हमारे 3 घंटे लगते हैं, 30 मिनट मेरे लगते हैं वीडियो बनाने में, हर 4 मिनट का हो 24 मिनट का हो लगते मेरे 30 मिनट है ऑन एवरेज, 30 मिनट हमारे लगते हैं उसको अपलोड करने में, उसका थंबनेल बनाना, उसकी डिस्क्रिप्शन टाइटल वगैरह लिखने में, और 2 घंटे हमारे लगते हैं ऑन एवरेज एक वीडियो को एडिट करने में। टोटल क्या बना 60 घंटे, 60 घंटे हर महीने हमारे खर्च होते हैं, जबकि मैंने आपको शुरू में क्या बताया था 160 घंटे हम नॉर्मली काम करते हैं, यानी 8 घंटे हर रोज 5 दिन हर हफ्ते, 2 दिन हमने छुट्टी की, जो एक बंदे के वर्किंग करियर का टाइम सिर्फ 33% ले रहा है। नाउ मान लेते हैं कि हाँ अब ये माशाल्लाह ठीक है, जोरों पे है, पैसे कमा रहा है, लेकिन आपको याद रखना है कि पहले 1-2 साल इसने कुछ नहीं कमाया था। और अगर आपने फैसला कर लिया कि आपने यूट्यूब चैनल खोलना है तो मेक श्योर यू नो हाउ टू एडिट वीडियोस। मुझे वीडियो एडिट करने आते हैं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि क्योंकि मुझे अल्लाह ने ये सहूलत दी है, आई गेट पीपल जो मेरे से 1,000 गुना बेहतर है। सो ये वीडियो बेशक आधा घंटा मेरा लगता है, आधा घंटा किसी और का लगता है अपलोड करने में, और 2 घंटे जो मैंने कहे थे मेरे माशाल्लाह टैलेंटेड हिजर भाई हैं, वो इनको एडिट करके ऊपर अपलोड करते हैं। अगर आप समझते हैं कि मैं बहुत बिजी हूं तो आप किसी को हायर कर सकते हैं टू एडिट योर वीडियोस, लेकिन मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप वीडियो एडिटिंग खुद सीख लें। इसमें क्या होगा, जो आपका मैसेज है, जो भी आपका प्रोग्राम है, उसमें 100% क्रिएटिविटी आपकी होगी। हिजर मुझे बेहतरीन तरीके से समझते हैं, मैं बड़ा लकी हूं कि वो मेरे वीडियोस इस तरह एडिट कर सकते हैं जिस तरह मैं चाह रहा हूं। काम ही ऐसा होता है, लेकिन अल्लाह जिसको देना चाहे उसकी मर्जी। कल मैं जो वीडियो निकाल रहा हूं उसमें मैं 4 टॉपिक्स दे रहा हूं जो बड़े हॉट किस्म के टॉपिक्स हैं, पाकिस्तान में नहीं फिलहाल उस पर कोई जोर दे रहा, उस जैसे चैनल्स नहीं है, लेकिन जिस बंदे ने बना दिए करोड़ों कमाएगा इंशाल्लाह, वो वीडियो आपने लाजमी देखना है। अगर उनमें आपकी दिलचस्पी है तो शायद उस जैसे आप चैनल बना लो और आप पाकिस्तान में उस नीश के सबसे बड़े चैनल बन जाओ, तो इंशाल्लाह यू विल मेक मनी। अच्छा जी, ये जो 1.5 मिलियन व्यूज हुए, अगर ये अमेरिका में होते तो 1.8 लाख रुपए ना होते, शायद 4 के करीब होते, यूके में होते, यूरोप में होते, या किसी भी अमीर कंट्री के व्यूज आपको हमेशा ज्यादा पैसे कमा के देंगे क्योंकि उनकी कंट्रीज में एड रेट्स भी ज्यादा है। लिहाजा जिन बंदों ने मुझे पूछा था कि आजाद भाई इज यूट्यूब ए प्रॉफिटेबल करियर, जी हाँ है, अगर आपके पास टॉपिक अच्छा है, आपका दिल है उसमें और आप कंसिस्टेंटली वीडियोस बना सकते हैं। कंसिस्टेंटली का ये मतलब है कि आपने 10 वीडियो बनाए और आपने पीटना नहीं शुरू कर देना, आए कोई देखता नहीं है। मैंने तकरीबन 50 वीडियोस बना के पब्लिश कर दी थे जब मेरे एक वीडियो के 100 व्यूअर्स आना शुरू हुए, 100 सिर्फ व्यूज। आज तो माशाल्लाह एक एक वीडियो के 20-30 हज़ार ऑन एवरेज आ जाते हैं 1-2 दिन में, लेकिन उस वक्त मेरा 1 साल लग चुका था टू रीच 100 व्यूज पर वीडियो। मान लेते हैं कि उस वक्त यूट्यूब पाकिस्तान में नहीं थी, लेकिन मान लेते हैं किसी का दिल नहीं था बिजनेस में जाने का, मैंने खुद का एक नीश क्रिएट किया था और इस नीश के हमेशा कम व्यूज होते हैं, इसलिए अगर आप वो चैनल देखो जिसमें मैंने सिर्फ 6 घंटे लगाए थे, वो एंटरटेनमेंट का चैनल था, एंटरटेनमेंट का था, एंटरटेन किया लोगों को, उसने कम वक्त मांगा। इसमें मेरी मिशन मुख्तलिफ है, इसमें अगर मेरा आधा घंटा भी लग रहा है फ्री वीडियो, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड मेरा वक्त इज क्वाइट कीमती, मैं वही वक्त किसी और जगह पे लगाऊं तो आई कैन अर्न अ लॉट मोर मनी, लेकिन ये मैं पैशन की वजह से करता हूँ, ये मेरा मिशन है। मैंने पाकिस्तान को फाइनेंशियली एजुकेट करना है, मैं लंबी सोच रहा हूँ, मैंने मिलियनेयर्स बनाने हैं, मिलियनेयर्स ज़कात देनी है, उस ज़कात में मेरा हिस्सा होना है, उसकी वजह से अल्लाह ने मुझे माफ करना है, मुझे शायद इन्हीं वीडियोज़ की वजह से अल्लाह मुझे जन्नत दे दे, मैं लंबी सोच रहा हूँ। आपको फिलहाल इनकम चाहिए तो यू मस्ट कम अप विद अ हॉट टॉपिक, या वो किसी को एंटरटेन करे या किसी का मसला हल करे। एनीवे कल वाला वीडियो देखिएगा, मैंने आपको दिखा दिया कि मेरे चैनल की इनकम क्या है, आपने अगर यूट्यूब करनी है इसके फायदे क्या हैं, कम वक्त लगता है,
घर बैठे कर सकते हो। अगर बाहर जा रहे हो तो एक आध बंदा साथ चाहिए होगा आपको, फिल्मिंग के लिए, कैमरा होल्ड करने के लिए, हौसला अफजाई के लिए, खाने पीने के लिए, मौज मस्ती के लिए, बट इट्स एब्सोल्युटली पॉसिबल। और फिर यूट्यूब आपको एक और फ़ायदा देती है, आप एक किस्म के ना सेलिब्रिटी बन जाते हो। रिमेंबर, जब आप एक YouTube चैनल ऑन करते हो तो आप अपना फुल प्रोडक्शन हाउस TV चैनल ऑन कर रहे हो। अब आपको सिर्फ सैलरी नहीं मिलेगी, आपको लोग पसंद करेंगे, आपके काम को पसंद करेंगे, आपको दांत देंगे, आपके फैंस होंगे, आपकी थोड़ी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। जहां तक सवाल जाता है कि आजाद भाई शुड आई स्टार्ट यूट्यूब चैनल, में कोई फायदा है? यस, लेकिन अगेन नीश आपका अपना होना चाहिए ना आपका दिल उसमें होना चाहिए। मैं हूं आजाद चाय वाला, लव यू ऑल, टेक केयर, लगे रहो मेरे बब्बर शेर मिलियनेयर। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अस्सलाम वालेकुम।